भगवान कोई रूप वटा के सामने आए हो ते मन पे आखदा होवे वे जरूर कोई गल है, कोई बात जरूर है। ऐवें नहीं, कदे कदे मन ऐसी खुशी विच आया हुंदा है और सचमुच ओदन मन दी पुगदी। कई बारी सवेरे सुते उठदे ही मन बड़ा प्रसन्न हुंदा है। तो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो राती कोई सुपना ही ऐसा देखिया हो, या दिने कोई कारनामा ऐसा होने वाला हो। क्योंकि मन खुशी विच आ जावे अपने आप कदे नहीं आया जिन्ना चिर इहदे उत्ते कोई खुशी दा साया ना पवे। हले यारा खुशखबरी, बल बल जाओ सदके जावा, जियो बल बल जाओ जी मैं सदके जावा, बार बार सदके जावा। नीकी तेरी बिगारी ऐसिया बिगारा नित नित पा, बिगार पाई तू ना बछेरी चुक लै, नामदेव चुकी जांदा नाले सोची जांदा। नीकी तेरी बिगारी क्या सोनी बिगार है तेरी, लोकी भी बिगारी बंदे पढ़ते हैं जिन्हां दी विगार कढ़नी औखी हुंदी है, पर तेरी विगार ये तां जी करदा तू इसे तरह नाल तुरिया चले ते मैं बछेरी चुक के ते तुरिया चला उथों तक जिथे जमीन आसमान मिल दे। ते पेंडा लंबा हो जा, नीकी तेरी विगारी तेरी विगार, सहबा जिन्हो मूर्ख कारे लाया, कोई आखद नाम जपिया मेनू की मिलिया, वो तू शुकर कर तेनू कारे लाया मेरे कार ने, अपने घर दी कार दिती है ले भई कीती चल, तू विगार ही समझ ले, विगार समझ के जपिया कर। तई गुरु ने विगार पाई है उन क्या कर, गुरु आके मत्था टेक बैठा ना कीती नहीं जांदी, हुण तां जपना पै गया। नीकी तेरी बिगारी अले तेरा नाम कैसा है, किड्डा सुंदर है, किड्डा सोहना है, जपदिया कितना सुख मिलता है, बार बार जपने नूं जी करदा है। पर मैनू ये तां दस अज किधरों आ रही है, जा किधर रे, कुजा आमद कुजा रस्ती कुजा मेरवी, द्वारका नगरी रात बगोई। तो पठान गुस्से विच आ गया, आखदे होए अकल कर की सोची जाने, किधरों आए किधर जा रहे। आखन लगा अंतर जांदी है मना दियां जान ने ना, नहीं तो कौन जानदा मन दी, मन विच लख गल्लां सोची जाओ, सामने कोई खड़ोता होवे उसे दे मुतलक, पर उसनू कोई पता नहीं होता अन्ना है। अखां वाला तां तू ही है हिक, जो सब दे अंदर भी तकने बाहर भी वे। तो होर प्रतीत आ गई, जो कुछ मैं सोचिया सी ठीक है, तो फिर जुरत वध गई, ये तो फिर अपना होया।
फिर बछेरी कंधे तो उतार के चाह रखी एक पासे ते आखन लगा खूब तेरी पग, क्योंकि भगत जो प्यार विच आए तो प्रभु दे अंग अंग नु थलाया। तो जान निगाह गई पगड़ी दे उत्ते, अजरज पगड़ी बंदी है भाई अज ता दो शमले छड़े ने इक थले कुत्ते नु, आ पठान लूंगी बन दिया ने सिर ते पिछौरी लूंगी। मैं जदों पिछौर जांदा सा मैनू भी लूंगियां देंदे बड़े शौक नाल बनदा, लूंगी बद्दी होवे उत्ते शमला छड़िया होवे बंदा समझदा है कि पैर मेरे पौं ते लग ही नहीं रहे, वो शमले नाल ही तुरदा मानो हैलीकाप्टर बनिया। तो सचमुच शमला जवानी दी निशानी, बुढ़े भी जदों शमला उत्ते छड़ लैण तां जवान समझ देना। तो डूंगी बद्दी भगवान ने पठान दे रूप विच शमला उत्ते नूं छड़िया होया, पौड़ी ते बैठे होए बड़ा रोब पै दिखाल की पिया सोचने उन्हें आख्या ठहर जा। कौड़ी जी फड़ लई लगाम ते आखन लगा खूब तेरी पग बड़ी छोड़ जी करदा वेखी जाओ तेरी पग नू ही वेखी जाओ खूब तेरी पगड़ी ते मीठे तेरे बो तू लख जबान कौड़ी करके पिया बोल सानू फिर भी मिठी है। खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल द्वारका नगरी काहे ते मगोल क्यों बुलेखे पावना और द्वारका देवासी जेड़े रूप विच मर्जी आ पर अखां दिती रख किसे रूप नू वेख के भुल न जाए किते ठोकर न खा जाइए किते विछोड़ा ना पै जाए बस विछोड़ ना होर जो मर्जी कर तेरी सब अदाई सानू चाहिए। नामदेव दे मन में आई थी ना कपड़े धोन जांदा सी नदी ते पंड कपड़िया की सिर ते चुके ले जानी ते फिर चुके लिया आखन लगा हे भगवान जी एक गोड़ी बख्श दे एने फुरना जी आ गया फुरना ना आवे ता चंगा पर नामदेव नू फुरना आ गया सी कौन बेचारे हाँ भाई आंदे भगवान जी एक गोड़ी बख्श दे वे कोई मैं लोभ करके नहीं मंग रहा मैं तो इस वास्ते मंग रहा भी आन जान छेती मुक जाएगा क्योंकि कई बारी आंदियां वेर सवेर हो जाती है नितनेम का वेला खुंजदा है वक्त नाल जावां ते वक्त नाल आ जावां ये एक गोड़ी बख्श देने घर तो तेरे सब किस है तेरे घर केड़ी फैदी कमी है। तो अजे फुरना कीता ही सी के पिछो दी आवाज आई अरे बर्फ के वेखिया पठान घोड़ी ते चढ़िया होया घोड़ी दे मगर छोटी जी बछेरी जिस वेले पठान कोलों दी लंघन लगा तो उन्हें आख्या ओए बछेरी चुक ल नाल तुर नहीं सकते बेचारे ने पंड कपड़िया की सिर तो ला के रखी चलो भी जिसे आखद पहुंचा वहां डाडा जोर सी उस वेले उन्हों का चुक ली बछेरी से जिस वेले नाल तुर पिया तो झट ही ख्याल आया वाह मेरे ठाकुर कैसी कीनी वाह मेरे ठाकुर ये कैसी कीनी के तले को मांगी ऊपर को दी मंगी सी चढ़न वास्ते दे दीती चुकन वास्ते सुनिया तो बड़ी छेती पर गल समझी नहीं मिली जिमें दो जने कठे रहते सन मराठी ते तेली इको ही वेड़ा सी कठी खुरड़ी सी दोवें अपनी घोड़ी ते बैल उत्थे ही बनते बैल सी बड़े जोर वाला खल खा के बड़ा मोटा होया होया मराठी की घोड़ी बेचारी बड़ी कमजोर वो सिंह भी खाए ते ओदा भी सब कुछ खा जाए मराठी ने आखिया तेली नाल लड़िया भी गल नहीं बनती
ये भी जोर वाला। राती उठ के दुआ मंगिया करे हो खुदा एक तो सुन मेरी, अब बैल मर जाए, बैल मर जाए। दो चार दिन बाद घोड़ी भूखी पानी मर गई। कहते हो खुदा सारी उम्र हो गई खुदाई कर दे, तेन ए ना समझ आई भी बैल केड़ा है घोड़ी केड़ी। हूं तो नहीं खेती दुआ बिचो एक मार भी दिता, पर मैं तो बैल आख्या। नामदेव ने आखिया चंगी खेती मेरे नाल, चढ़न वास्ते मंगी सी चुकन वास्ते दे दिती, चल भाई चुकवा ला। मन विच जदों ये गल्लां आईयां नामदेव दे, पठान कौड़ी ते चढ़िया नाल जांदा, कौड़ी नूं लांदा अड्डी ते उहनूं आखदा चल छेती चल। फजूल गल्लां सोची जांदा, तले को मांगी ऊपर को दी, लगा है तू है। मैं तो मन में सोची आती, मन में आती कौन पा सकता है तेरे बिना। बाबा जी मना में जातियां पांदे, और किसे ने अज ताई ना जाती पाई ना जाती पा के दिखाई, ना किसे दी जात सही ना पै सकती। अंदाजे लोकी पाने ला के कोई गल, बुझ लमन से चुकन वाले आखण जी अंतर जामी है। गल जो पुरना मन में पिछों आवे थे अगर पहला पहुंच जाए, उत्तर पहला मिल जाए। शास्त्री बोलो श्री सोच जाए तो आप हन तो जुरत वधी अपने तो हूं की क्या पड़ता है किसे गल का, अपने तकल्लुफ भी नहीं हुंदा। अगे वध के नामदेव ने मछेरी चा रखी एक पासे ते लगाम फड़ लई। हले यारा कुछ खबरी। पठान ने गुस्से वाला मुंह बनाया, विचों हसदा सी, उतों बनाया गुस्से वाला मुंह ते आखिया छड़ लगाम चुक मछेरी ते चल मेरे नाल। अच्छा जरा ठहर जाओ, दर्शन तो कर लैण दे, एक बारी रज के वेखता लैण दियो। रूप तो तेरे अगे अनेक वेखे न, पर अज का रूप खूब तेरी पगड़ी आई तो जपदा पग शीशी अगे ढहकी मन आए। फड़ ली घोड़ी दी लगाम ते आखिया द्वारका नगरी रास बगोई, खूब तेरी पगड़ी मिठे तेरे बो I'm gonna make you mine.